कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ट्रिक्स जो हैं एग्जाम में भूल जाती हैं। तो ये वीडियो मेरा उन्हीं लोगों को जवाब है कि ट्रिक्स ऐसी बनाओ जो एग्जाम में भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। ठीक है, तो देखो अपने सिलेबस में 3 फैमिली ऐड हुई है जो अपने को करनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, 2 सफेद पेज और एक अच्छा सा पेन लेके बैठ जाओ, बाकी सब मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली काम अपना चलेगा। देखो 3 फैमिली है, एक है मालवेसी, दूसरी है एस्ट्रेसी और इसी का दूसरा नाम है कॉम्पोजिटिव फैमिली, और तीसरी है पोएसी या फिर ग्रामिनी फैमिली। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं इनमें से कौन सी डाइकोट है कौन सी मोनोकोट है। तो पोएसी फैमिली जो है वो सिर्फ मोनोकोट है, बाकी की ये दोनों क्या है, अपनी डाइकोट फैमिली है। ये बात यहां पे क्लियर हो गई। अब बारी बारी से देख लेते हैं कि भाई इस फैमिली में क्या आता है, इस फैमिली में क्या आता है, है ना, मेरे साथ साथ चलना, ऑटोमेटिकली चीजें बनते चली जाएंगी। देखो मालवेसी फैमिली में आ रहा है माल। माल मतलब क्या होता है, बहुत सारा पैसा। अब आपके पास बहुत सारा माल आ जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो आप क्या लाओगे, ब्रांडेड क्लोथ्स लाओगे, है ना, आप ब्रांड वाले क्लोथ्स लाओगे। अब ब्रांडेड क्लोथ से भाई भारतीय जो लड़की है वो तो इंप्रेस होने नहीं वाली, है ना। तो जो फर्जी लड़कियां हैं, चाइना की जो फर्जी लड़कियां हैं, हो सकता है वो ब्रांडेड क्लोथ से इंप्रेस हो जाएं। तो हमारे पास जब बहुत सारा माल आ जाएगा तो हम ब्रांडेड क्लोथ्स लाएंगे और चाइनीज लेडी को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यही भाई अपनी ट्रिक बन गई, माल मतलब मालवेसी, क्लोथ्स किससे बनते हैं, कपड़े कॉटन से बनते हैं, चाइनीज मतलब चाइना रोज, और लेडी से अपने को याद आ जाएगा लेडी फिंगर। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कुछ भी याद नहीं करना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो फूड खाने में क्या यूज होगी, लेडी फिंगर भिंडी है खाने में यूज होती है। कॉटन किसमें यूज होगा, कपड़े बनाने में, क्लोथिंग में यूज होगा। ठीक है, कैटल फीड, देखो कॉटन सीड क्या होता है, बिनोला, जो हरियाणा पंजाब के हैं राजस्थान के वो समझ जाएंगे, बिनोला है ना, कॉटन में जो सीड निकलता है वो कैटल को गाय भैंस को खिलाया जाता है। ऑर्नामेंटल होता है सजावट के लिए, तो चाइना रोज फूल होता है, फ्लावर होता है ना, गुड़हल का फूल वो आपने देखा भी होगा, तो वो भाई फूल है तो साजो सजावट में यूज होगा, कुछ भी याद करने वाली बात इसमें है ही नहीं। तो ये तो हो गई अपनी मालवेसी फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रेसी फैमिली या कॉम्पोजिटी को कैसे याद करें कि इसमें क्या क्या आएगा। देखो आपने एक गाना सुना होगा ससुराल गेंदा फूल, तो ससुराल गेंदा फूल की जगह लेट्यूस आपको करना है, लेट्यूस के पत्ते भी तो ऐसे फूल की तरह ही होते हैं, तो ससुराल गेंदा फूल की जगह ससुराल गेंदा और क्या है लेट्यूस। तो ट्रिक क्या बन गई अपनी, ससुराल के एस से अपने को याद आ जाएगा सनफ्लावर, और गेंदा से गेंदा, गेंदा को अंग्रेजी में बोल देंगे मैरीगोल्ड, और लेट्यूस से अपने को याद आएगा लेट्यूस। अब इनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो सनफ्लावर जो है सूरजमुखी का फूल जो है बड़ा प्यारा फूल है, मैरीगोल्ड जो है गेंदे का फूल है वो भी बड़ा प्यारा फूल है, तो भाई आपने देखा होगा शादी है कोई फंक्शन है तो गेंदे के सनफ्लावर के है ना सजावट में यूज होते हैं, तो ऑर्नामेंटल्स हो गए। ऑयल्स की बात करें तो सनफ्लावर के जो सीड होंगे, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, वो ड्राई फ्रूट की तरह भी यूज होते हैं, उनसे ऑयल निकलता है। देखो जो भी ड्राई फ्रूट है ना, बादाम है, अखरोट है, सबका ही तेल निकलता है, तो सनफ्लावर के जो सीड होते हैं उनका ऑयल भी यूज किया जाता है। ठीक है, डाइज की बात करें तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड दोनों ही कलरफुल है ना, कलरफुल फूल है, कलरफुल फ्लावर है, तो उनसे भाई डाई भी बनाई जा सकती है। और लेट्यूस जो है वो तो पता ही है अपने को, है ना, सलाद में यूज होती है, बर्गर में भी यूज होती है ना लेट्यूस, वो फूड में अपनी यूज हो जाएगी। ठीक है, एस्ट्रेसी के बाद अब हम बात करने वाले हैं पोएसी या फिर ग्रामिनी फैमिली की। इसकी तो बहुत प्यारी ट्रिक मैंने बताई है, अब कई बच्चे तो यहीं पे चक्कर खा के गिर जाएंगे कि इसने इतनी अच्छी ड्राइंग करी कैसे। देखो मैंने कोई ट्रेस नहीं किया, खुद बनाई है, सिर्फ 1.5 मिनट में बना दी है ये। ठीक है, अब यहां पर ट्रिक क्या बोलती है, ये जो प्यारी सी हमारी गाय है, अब ट्रिक क्या बोलती है कि ये गाय जिस भी चीज को खाती है, जो भी चारा है, भूसा है, घास है, उसको उठा के पटक दो किसमें, पोएसी फैमिली में। क्या क्या खाती है, देखो वीट गेहूं का पौधा है, अब गेहूं के पौधे में से गेहूं तो हम खा लेंगे, जो बाकी का बचा हुआ चारा भूसा है वो कौन गाय खाएगी, ऐसे ही राइस में होगा, ऐसे ही कॉर्न भाई मक्की तो पॉपकॉर्न हम खा लेंगे, बाकी का भूसा कौन खाएगी, गाय। ऐसे ही बारले जवार बाजरा सब में ऐसे ही होगा, शुगर केन में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ऊपर के पत्ते पत्ते हम ये गाय भैंस को ही खिलाते हैं। ग्रासेस घास हो गई, तो भाई ये तो चरती है ना, चरने में घास तो खाती है। बैंबू को ऐसे याद रख लेना कि भाई बांस के जो पत्ते होते हैं वो गाय खा सकती है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो जो गाय खाएगी वो सब इसमें आ जाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि भाई जो फूड की तरह यूज होंगे, वीट है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बारले, रागी, जवार है, जवार को अंग्रेज
अंग्रेजी में सोरघम बोलते हैं और बाजरा को अंग्रेजी में पर्ल मिलेट बोलते हैं, है ना। ये सारे रिलेटेड से हैं, फूड की तरह यूज होते हैं। फोडर तो हमने देख लिया, फोडर मतलब गाय भैंस जिसको खाएगी वो सारे यूज होंगे। शुगर किससे मिलेगी, शुगर केन से, कुछ याद नहीं करना। एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब है ना खुशबू आ रही है, तो लेमन ग्रास नाम से लग रहा है, लेमन ग्रास मतलब जिसमें से नींबू जैसी खुशबू आ रही है। अब बिल्डिंग मटेरियल देखो, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे इलाके होंगे है ना जंगल में, आदिवासी इलाके जहां पे बैंबू यानी बांस से वो अपने घर बनाते हैं, ठीक है। अल्कोहल एंड बेवरेजेस, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि जो है बियर है, वाइन है, विस्की है, वो कहां से बनती है, बार्ले, कॉर्न, शुगर केन, इन्हीं से तो सारा अल्कोहल बनता है, तो यहां पे भी अपने कुछ याद नहीं किया। तो तीनों फैमिलीज का हमने मोटा मोटा देख लिया, उनमें क्या आता है और उनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब हम सीड की बात कर लेते हैं। देखो सीड या तो एंडोस्पर्मिक होगा या नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना कि जनरली क्या होता है, जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्मिक सीड होता है और डाइकोट्स में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। तो हम ये बात देख चुके हैं कि पोएसी फैमिली मोनोकोट्स थी तो उसमें सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक, मालवेसी कंपोजिटी में वो डाइकोट होते हैं तो उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रूट के बारे में। इसकी भाई बहुत प्यारी ट्रिक है, सच में कभी नहीं भूलेगा, है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं ना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कभी नहीं भूलेगी। देखो मालवेसी फैमिली में क्या था, माल था, माल मतलब बहुत सारा पैसा। अब बहुत सारा पैसा है तो वो खुले में तो आप रखोगे नहीं, है ना, खुले में तो चोरी हो जाएगा ना, तो उसको छुपा के रखना पड़ेगा किसी कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर में। कैप्सूल क्या होती है, एक बंद, एक क्लोज स्ट्रक्चर होती है। तो बहुत सारा माल, बहुत सारा पैसा है, उसको कैप्सूल में छुपा के रखो तो इसका फ्रूट हो जाएगा कैप्सूल। कुछ भी याद नहीं किया, ऑटोमेटिकली हुआ है। देखो पोएसी को कैसे याद करेंगे, क्रायोसिस है। देखो पोएसी के अंदर क्या क्या आ रहा था, वीट, गेहूं, चावल, कॉर्न, मक्का, बार्ले, है ना, ज्वार, बाजरा, तो जो भी खाना पोएसी में आ रहा है, हम क्या हम बोल सकते हैं कि ये घर का खाना है ना, ये घर में बनता है तो घर का खाना है। तो आपको पता ही है, आप सब जो हो वो बाहर का खाना खुश होकर खाते हो, घर का खाना जब भी बनता है आप रोते रहते हो, रोते यानी क्राई, क्राई मतलब रोते रहते हो, तो घर के खाने को देख के आप रोते रहते हो, क्राई करते रहते हो, बाहर का खाना बर्गर पिज्जा आपको पसंद है, तो क्राई से अपने को याद आ जाएगा क्रायोप्सिस और पोएसी का फ्रूट था, ठीक है। अभी तक कुछ भी याद नहीं किया, फिर से मैं बोल रहा हूं ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉम्पोजिटी की बात करते हैं। तो कॉम्पोजिटी में हमने देखा था कि कॉम्पोजिटी में क्या क्या आ रहा था, कि भाई सनफ्लावर आ रहा था और गेंदा, मैरीगोल्ड आ रहा था, ठीक है। तो मतलब कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, गेंदे का कितना अच्छा फूल होता है, सनफ्लावर का कितना प्यारा फूल होता है, तो प्यारे प्यारे जो फ्लावर हैं वो किसको दोगे आप, किसी लड़की को ही दोगे, है ना, और लड़की भी कौन सी, कोई अंग्रेजी लड़की होनी चाहिए, इंग्लैंड की कोई होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं लग रहा सिप्सेला, ऐसा नहीं लग रहा किसी अंग्रेजी लड़की का नाम है, कोई इंग्लैंड की लड़की है, सिप्सेला, सिंड्रेला, सिप्सेला, सिंड्रेला, सिप्सेला, तो सिप्सेला किसी लड़की का नाम है जिसको आप गेंदे या सनफ्लावर के प्यारे प्यारे फूल दे सकते हो। नीट क्रैक करने के बाद पहले आपका फ्लावर कोई नहीं लेगा, मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन क्या होगी, एस्ट्रेसी और पोएसी की याद रखिए, दोनों में बेसल है और मालवेसी में एक्साइल है। देखो यहां पे भी याद करने का कुछ नहीं है, ये दोनों में बेसल होगी, इसमें एक्साइल कैसे है, एक्साइल का हमेशा ये एक्स याद रखा करो, ये एक्स, जहां एक्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाए वो एक्साइल प्रेजेंटेशन है। जैसे कि देखो मालवेसी फैमिली में लेडी फिंगर आई थी, भिंडी आई थी, तो भिंडी को जब आप काटते हो तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ती होगी, तो देखो भिंडी में भी ऐसे एक्स बनते होंगे, चाहे संतरा है, नींबू है, उसको आप काटते हो तो टमाटर है, उसमें भी एक्स जैसी स्ट्रक्चर बनती होगी, तो जहां एक्स बन जाए वहां एक्साइल प्रेजेंटेशन बन जाएगी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ सिंबल हैं, बेसिक सिंबल जो अपने को हर हाल में पता होना चाहिए। देखो BR मतलब ब्रैक्टेट, मतलब ब्रैक्टेट प्रेजेंट है। EBR मतलब ई ब्रैक्टेट, मतलब ब्रैक्टेट जो है वो अब्सेंट है। ये साइन होगा मेल का जो सबको पता है, ये साइन होगा ये फीमेल का सबको पता है, मेल भी हो गया फीमेल भी हो गया यानी बाइसेक्सुअल हो गया। ये सिमेट्री की बात कर लें तो कुछ इस तरीके से कि भाई एक गोला खींच दिया फिर उसके बीच में प्लस का साइन लगा दिया यानी एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये परसेंटेज जैसा साइन आ गया तो वो जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। इधर देखो चार चीजों की बात करेंगे, के, सी,
ए जी, जी से सीधा सीधा गाइनोइशियम हो जाएगा, ए से सीधा सीधा एंड्रोइशियम हो जाएगा, सी से सीधा सीधा कोरोला हो जाएगा, और के से हो जाएगा कैलिक्स। अब मेरे को पक्का पता है कि बहुत सारे बच्चे के और सी में कंफ्यूज हो जाते होंगे, कौन सा कैलिक्स था कौन सा कोरोला था। ठीक है, इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो यहां पर आ रहा है एक्स, तो एक्स को के से मैच करा दो, दोनों की थोड़ी सी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। देखो इसमें भी ऐसे राइट साइड में ऐसे दो डंडे आ रहे हैं, इसमें भी राइट साइड में ऐसे दो डंडे आ रहे हैं। ठीक है, तो के को एक्स से मैच करा देना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है पी, पी का मतलब होता है पेरिएंथ। ये क्या होता है, देखो जब आपको देखने से पता ना चले कि कैलिक्स कौन सा है कोरोला कौन सा है, आप कंफ्यूज हो जाओ, तो जहां पर कंफ्यूजन हो जाए दोनों में, वहां पे पेरिएंथ यूज हो जाता है, कि कैलिक्स और कोरोला दोनों के लिए ही पेरिएंथ वर्ड यूज हो जाता है, जहां पे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सुपीरियर ओवरी या इंफीरियर ओवरी, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डंडा ऊपर लगाना था कि नीचे लगाना था। देखो इस डंडे का मतलब है बाकी सारे, इस डंडे का मतलब है बाकी सारे। ठीक है, अब बाकी सारे यानी ये डंडा अगर जी के नीचे है, यानी जी जो है बाकी सबसे ऊपर है, अब बाकी सबसे जी यानी गाइनोइशियम ऊपर है, तो ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर, क्योंकि भाई ऊपर है। और डंडा अगर ऊपर है मतलब जी जो है नीचे रह गई है, जी नीचे रह गई यानी ओवरी नीचे रह गई, ओवरी नीचे रह गई तो वो इन्फीरियर हो जाएगी, है ना। तो ये भी अपने ने याद हो गया। अब देखो अगर फ्यूजन दिखाना हो कि दो चीजें आपस में जुड़ी हुई है, वो कैसे दिखाएंगे, जैसे सी फॉर कोरोला और ए फॉर एंड्रोइशियम, अगर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो हम ऊपर से इनके, है ना, ऐसे टोपी मैच करा देंगे। ठीक है, अब देखो अब हम सीखने वाले हैं फ्लोरल फॉर्मूला कैसे याद करना है, और इनको याद करने की इतनी तगड़ी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, पर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा यहां पे, पर देखो यहां पर हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि कोई भी फॉर्मूला लिखा कैसे गया है। अभी भूल जाइए ये मालवेसी का है कि किसका है, भूल जाइए एक पल के लिए। ठीक है, देखो ये चीज कैसे दिखाई गई है कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, ये क्या दिखा दी कि भाई बाइसेक्सुअल है, मेल है, फीमेल है, वो सब दिखा दी। ठीक है, यहां पे आगे बीआर होता तो ब्रैकेट वो सब हो जाता। ठीक है, ये क्या है, कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोइशियम है, ये गाइनोइशियम है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब गाइनोइशियम में भी हमने देख लिया कि भाई ओवरी जो है सुपीरियर है या इंफीरियर है, ये डंडा देख के बता देंगे, इतनी बातें भी क्लियर हैं। फ्यूजन हमने ये देख के बता दिया कि ये और ये आपस में जुड़ी हुई, ये बातें भी क्लियर हैं। ठीक है, अब देखो कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स से मिलके बनता है। ठीक है, और कोरोला जो होता है वो पेटल से मिलके बनता है। अब ये पांच का मतलब क्या है कि इसके कैलिक्स में कितने होंगे, पांच सेपल्स होंगे। अब ये पांच के बाहर अगर ब्रैकेट ना होती मतलब वो एक दूसरे से ऐसे फ्री थे, और ब्रैकेट आ गई मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेम कंडीशन इसमें जो पेटल्स होंगे, अगर ये पांच ऐसे होते बिना ब्रैकेट के तो ये एक दूसरे से फ्री थे, और ब्रैकेट आ गई मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्री के लिए वर्ड यूज होता है पोली, है ना, पोली सेपल्स, पोली पेटलस, और जो जुड़े हुए हैं उनके लिए यहां पर वर्ड यूज होता है गैमो, कि गैमो सेपल्स गैमो पेटलस, वो हम मोर्फो वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं, पढ़ा भी हुआ सबने। ठीक है, यहां पर ये एंड्रोइशियम कितने आगे, इनफाइनाइट आगे, और ये गाइनोइशियम कितने आगे, दो से लेके इनफाइनाइट, और सारे आपस में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ट्रिक करते हैं कि भाई कैसे याद करें, है ना, कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि मालवेसी का फ्लोरल फॉर्मूला पहचानो, कैसे पहचानोगे। देखो वही ट्रिक है मालवेसी के लिए, कि मालवेसी माल मतलब इसमें माल जो है भर भर के है, माल जो है भर भर के है। माल क्या होता है, देखो ये एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो है ये, है ना, सेक्सुअल पार्ट है, तो इसमें सेक्सुअल पार्ट का मतलब है वही माल है, तो इसमें माल जो है भर भर के है, यानी ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब जो सेक्सुअल जो इसमें डिपार्टमेंट है उसमें माल जो है भर भर के पड़ा हुआ है, ना, माल भर भर के, तो जिसमें ये दोनों इनफाइनाइट दिख जाएं, और ये भी देखो पांच पांच हैं भर भर के हैं, सब कुछ भर भर के, माल भर भर के दिखे, तो वो मालवेसी फैमिली होगी। अब देखो मालवेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये रेड वाले क्या है, ये अपने कैलिक्स हैं, एक दो तीन चार पांच, और आपस में जुड़े हुए हैं। फिर ये क्या आ गए, कोरोला आ गए, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं पांच। ठीक है, एंड्रोइशियम इनफाइनाइट आ गए, देखो कितने सारे बने हुए, और गाइनोइशियम क्या है, दो से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मालवेसी फैमिली के बाद हम बात करने वाले हैं एस्ट्रेसी फैमिली की। देखो सनफ्लावर की अगर बात करें, जो कि एस्ट्रेसी फैमिली में आता है, उसी की बात कर रहे हैं हम। सनफ्लावर की अगर बात करें तो उसमें दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, एक तो होंगे डिस्क फ्लावर, ये जो ब्लैक वाले दिखाई दे रहे हैं, और ये रेड वाले होंगे रे फ्लावर। तो सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। अब भाई फ्लावर दो टाइप के पाए जाएंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला भी क्या है, अपने को दो ही याद
करने पड़ेंगे, एक रे फ्लावर का, एक डिस्क फ्लावर का। ठीक है, अब पहली चीज यहां पर जो अपने को अजीब दिखाई दे रही है वो है कि कैलिक्स की जगह हमने पेपस लिख दिया है, पेपस लिख दिया है। ठीक है, ये क्यों लिखा है? देखो, इनमें जो कैलिक्स होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और होते भी कैसे हैं, जैसे हम दांतों को ब्रश करते हैं तो ब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं ना, बहुत सारे ब्रिसल्स, वैसे वैसे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए क्या है, पेपस वर्ड यहां पे यूज कर दिया है। तो पहला पहचानने का तरीका तो यही हो गया कि पेपस जहां अपने को दिख गया मतलब वो रे या डिस्क यानी एस्टेसी फैमिली की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में फर्क कैसे पहचानना है। ठीक है, यहां पर जो सबसे खास बात दिख रही है, पहले तो ये देख लो, ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक, ये कैसे पहचाने? देखो, ये डिस्क जैसा है, गोल गोल है, डिस्क होती है गोल, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये उसका उल्टा हो जाएगा क्या, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरा फर्क कैसे पहचाने? देखो, रे में आप देख पा रहे हो कि मेल जो पोर्शन है यानी एंड्रोशियम जो है वो जीरो है, और डिस्क में जो है वो एंड्रोशियम होता है, और ये बात अपने को यहां भी दिखाई दे रही है कि इसमें यहां पर सिर्फ फीमेल साइन है और यहां पे बाइसेक्सुअल यानी मेल भी है और फीमेल भी है। इसको कैसे याद करें? देखो, रे का मतलब इंग्लिश का वर्ड है रे, रे का मतलब क्या होता है हिंदी में? किरण। तो किरण क्या है? एक लड़की का नाम है, तो किरण लड़की है, तो जाहिर सी बात है उसमें मेल पोर्शन जो होगा जीरो होगा, तो रे और डिस्क का भी अपने को डिफरेंस पता लग गया। ठीक है, और ये कंडीशन तो अपने को देखने से पता लग जाएगी कि डंडा ऊपर है या नीचे है, तो सुपीरियर है या इंफीरियर है, और वो तो देखने से पता लग जाएगी। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा भाई, ये इनका फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा, ये डिस्क का, रे का। रे में आप देख पा रहे हो एंड्रोशियम जीरो है, यानी अपने को एंड्रोशियम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब लास्ट में हम करने वाले हैं किसका, पोएसी का फ्लोरल फॉर्मूला करने वाले हैं, पोएसी का। पोएसी का फ्लोरल फॉर्मूला क्या बोलता है, यहां पर आपने को याद कर रखना है। देखो, यहां पे तो ब्रैक्टिएट हो गया, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया, याद कैसे रखना है? पी फॉर पोएसी, पी फॉर यहां पर कैलिक्स कोरोला की जगह पे पी फॉर पेरियंथ लिखा हुआ है, पी फॉर पोएसी, पी फॉर पेरियंथ। ठीक है, और ये इसका फ्लोरल डायग्राम हो जाएगा। ये देखो, यहां पर इसके फ्लोरल डायग्राम में थोड़ी सी खास बातें और याद रखनी है आपको, कि जो ये ब्रैक्टिएट है ना, ब्रैक्टिएट ही मान लो कि ये कुछ इस तरीके से है, ये कवरिंग है, जो ये कवरिंग है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इसको लैमा बोल देंगे, इसको पेलिया बोल देंगे, पेलिया या पिली कुछ भी बोल दो, ये लैमा हो गया, पिली हो गया। ठीक है, और ये पेरियंथ जो है ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, लोडिक्यूल, ये जो दो लोडिक्यूल हैं इसी को क्या है, पेरियंथ हम अब बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक बार सारे फ्लोरल फॉर्मूला को यहां पर रख लेते हैं, ये अपना मालवेसी था, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना जो फ्लोरल फॉर्मूला से बन के आएंगी, ये मालवेसी था, ये पोएसी था। अरे भाई, सनफ्लावर कहां गया भाई साहब, ये रहा सनफ्लावर, ठीक है, मिल गया। ये है अपने सारे फ्लोरल फॉर्मूला। अब यहां से अपने को और भी कई बातें पता चल रही हैं, जैसे एक कंडीशन होती है सिनकार्पस, सिनकार्पस। ठीक है, सिन मतलब जुड़े हुए, कार्पल यानी कार्पल, है ना, कार्पल जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, जो जी है, गाइनोशियम है, इसके बाहर ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब जुड़े हुए हैं, कार्पल जुड़े हुए हैं, यानी ये सिनकार्पस कंडीशन है। यहां भी गाइनोशियम में ब्रैकेट है, यानी कार्पल जो है जुड़े हुए हैं, ये भी सिनकार्पस कंडीशन है। यहां पे भी जुड़े हुए, ये भी सिनकार्पस कंडीशन है, और यहां पे तो सिर्फ एक है, तो एक ही उंगली है, तो वो किससे जुड़ेगी, है ना, जुड़ने के लिए दूसरी तो होनी चाहिए, तो एक में तो सवाल ही उठता सिन का। ठीक है, तो सारी ही कंडीशन कैसी है, सिन कार्पस है, सिन यानी जुड़ी हुई है कार्पल से, और एक है, तो भाई इसमें तो जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता, ये बात भी यहां पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक चीज आती है, एक चीज आती है कि मोनो कार्पलरी, बाय कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी। देखो, मोनो मतलब एक, कार्पलरी मतलब कार्पल, इसमें जैसे एक कार्पल है तो यह कंडीशन हो जाएगी मोनोकार्पलरी, इसमें दो है तो ये हो जाएगी बायकार्पलरी, बायकार्पलरी, इसमें इनफाइनाइट तक चीजें जा रही हैं तो ये हो जाएगी मल्टी मतलब बहुत सारी, कार्पल मतलब कार्पलरी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, मैं आपको यहीं पे याद करवा रहा हूं कि आपको बार बार है ना धक्का ना पड़े कि सिनकार्पस, मल्टीकार्पलरी, ये ऑटोमेटिक ही हो रही है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं एस्टिवेशन की। देखो, एस्टिवेशन क्या होती है, कैलिक्स और कोरोला में ही अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वही तो होती है एस्टिवेशन। तो कैलिक्स में अपने को तीन फैमिली देखनी है, मालवेसी, पोएसी, एस्टेसी। कोरोला में भी तीन फैमिली, मालवेसी, पोएसी, एस्टेसी। ठीक है,
अब देखो मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। पोएसी में तो हम एस्टिवेशन की बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ना तो कैलिक्स है ना कोरोला है, पी फॉर पोएसी, पी फॉर पेरियंत। तो यहां पे तो भाई पेरियंत आ गया था, तो एस्टिवेशन का सवाल ही आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और यहां पर बात करें कि कैलिक्स एस्ट्रेसी में भी अब्सेंट हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर तो भाई पेपस आ गया था, तो पेपस ही डायरेक्ट लिख दिया, तो हम यहां पर भी एस्टिवेशन की बात ही नहीं कर रहे। तो तीन तो पहले ही कट गए, ठीक है। अब सिर्फ आपको याद रखना है कि मालवेसी के कोरोला में ट्विस्टेड था, बाकी दोनों में वेलवेट कर दो। तो ये हो गई आपकी ये एस्टिवेशन डन हो गई। अब देखो लास्ट टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस, इसको कैसे याद रखना है। देखो मालवेसी में होती है साइमोस, ये कैसे याद करें? वही अपनी माल वाली ट्रिक की, अपने पास बहुत सारा माल आया, फिर हम क्या है ब्रांडेड कपड़े लेके आए, क्लोथ्स लेके आए, अब फिर हमने चाइनीज लेडी को पटाया। अब चाइनीज लेडी को पटाया है तो उससे फोन पे बात भी करनी पड़ेगी। अब चाइना में फोन मिलाना है तो भाई नई सिम लेनी पड़ेगी, तो CYM यानी सिम, तो माल से ये अपने को सिम याद आ जाएगा, साइमोस याद आ जाएगा। पोएसी में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं, ये कैसे याद रखें? देखो स्पाइक का मतलब होता है ना ऐसे, स्पाइक किसी ने अगर जेल लगा के बाल खड़े करे हुए हैं तो उसको बोलते हैं ना स्पाइक्स बनाए हुए हैं, तो स्पाइक यानी ऐसे कांटे कांटे से ऐसे निकले हुए हों। तो पोएसी में क्या आता है? गेहूं आता है, चावल आता है। तो अगर आपने गेहूं के खेत देखे हों तो गेहूं के बिल्कुल ऊपर है ना, जहां गेहूं लगता है वहां पे ऐसे कांटे कांटे से ऐसे स्पाइक निकले होते हैं, तो उससे स्पाइक अपने को याद आ जाएगा, ठीक है। एस्ट्रेसी में होती है कैपिटुलम, ये कैसे याद करें? देखो कैपी को याद कर लेना, कॉपी, कैपी कॉपी, कॉपी मतलब किसी चीज की कॉपी कर दी है, कॉपी कर दी है तो वो दो बन जाएंगे, दो बन जाएंगे मतलब एस्ट्रेसी सनफ्लावर में अपने को पता है दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक रे फ्लावर एक डिस्क फ्लावर, मतलब फ्लावर की कॉपी हो गई है, कॉपी कैपी, ये अपने को याद आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस टॉपिक को हमने बड़े ही आसानी से कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।